पिछले पार्ट में क्लोरोप्लास्ट खत्म करने के बाद इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पिगमेंट्स ऑफ द प्लांट विच आर इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप ऑफ पिगमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस। तो भाई ये वाला जो हमारे पास पार्ट है ये बाकी इस सीरीज के बाकी वीडियो से थोड़ा छोटा होगा, क्योंकि हमारे पास इसमें हम सिर्फ पिगमेंट्स पढ़ने वाले हैं। फर्दर वीडियोज में हम लाइट रिएक्शन स्टार्ट करेंगे जो कि काफ़ी बड़ा है, फिर पार्ट से पार्ट आते जाएंगे। फिलहाल वापस आते हैं पिगमेंट्स पे। तो प्लांट में होते हैं कुछ पिगमेंट जो कि हेल्प करते हैं प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने में। कैसे हेल्प करते हैं? ये क्या करते हैं, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट करते हैं। जब ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं तो उसके बाद उस लाइट का यूज होता है, उस लाइट एनर्जी का यूज होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। ठीक, अब हमें इतना तो पता है कि कुछ पिगमेंट्स हैं, लेकिन कौन से पिगमेंट हैं, कितने पिगमेंट हैं, वो पता करने के लिए हमारे पास टेक्निक है पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब ये जो टेक्निक है, मतलब कुल मिला के जो क्रोमेटोग्राफी है वो हमारे पास आई थिंक केमिस्ट्री में थी, और 11th क्लास की आई थिंक केमिस्ट्री में है वो, बट कुल मिला के यहाँ पे हमें वो नहीं पढ़ना बायोलॉजी में। ठीक है, तो कुल मिला के हमें क्या पढ़ना है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी से हमने कुछ पिगमेंट्स निकाल लिए। अब वो निकालने के बाद हमारे पास पिगमेंट कौन से हैं, अब यहाँ चार लिखे हैं लेकिन बेसिकली हमारे पास दो पिगमेंट्स होते हैं। एक होते हैं क्लोरोफिल, कन्फ्यूज मत होना, देखो क्लोरोफिल, और दूसरा होता है कैरोटेनॉइड। अब यहाँ इनके भी फर्दर टाइप हो जाते हैं, यहाँ पर आ जाता है क्लोरोफिल ए, ये हो जाता है क्लोरोफिल बी, ये हो जाता है कैरोटीन्स, और ये हो जाता है जेंथोफिल। तो इस तरीके से मेजर चार पिगमेंट्स हो गए। ठीक, अब ये चार पिगमेंट रेस्पॉन्सिबल हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, यानी ये कर क्या रहे हैं, चारों पिगमेंट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं पर्टिकुलर वेवलेंथ की सनलाइट को। तो कितना एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कौन सा पिगमेंट कौन सी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, वो हमें कैसे पता चलेगा, विद द हेल्प ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो कि ये है। अब देखो यहाँ पे ये हमें क्या बताता है, इसकी हेल्प से हमें पता चलता है कि कौन सा पिगमेंट कौन सी पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। ये तो हमें पता है ना कि पर्टिकुलर जो विजिबल रीजन है उसमें हर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट एक पर्टिकुलर कलर को इंडिकेट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्लू कलर की लाइट 400 नैनोमीटर की वेवलेंथ वाली होती है, राइट। उसी तरीके से पूरी विजिबल रीजन की लाइट में पर्टिकुलर कलर पर्टिकुलर वेवलेंथ, तो उस पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को कौन सा पिगमेंट सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है उस वो हमें इससे पता चलेगा। तो कैसे पता चलेगा, देखो फॉर एग्जाम्पल मान लो ये 400 नैनोमीटर है। ठीक, 400 नैनोमीटर पे पर्टिकुलर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किसका, कौन सा पिगमेंट कर रहा है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, तो हमें दिख रहा है यहाँ मैक्सिमम जो पूरा सबसे ज़्यादा ग्राफ में ऊपर वाली लाइन है वो है क्लोरोफिल ए की। अच्छा, ये एक बार मैं बता देता हूँ, जो इसमें ब्लू वाली लाइन है वो क्लोरोफिल ए को बता रही है, जो इसमें ग्रीन वाली लाइट है वो बी को बता रही है, और जो कैरोटेनॉइड है वो येलो वाली लाइट है। ठीक है, लाइन है, ये लूडो खेल रहा है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बना रहा था। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ हमें क्या पता चल रहा है, ब्लू लाइन सबसे ऊपर, इसका मतलब 400 नैनोमीटर की लाइट को सबसे ज़्यादा कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, क्लोरोफिल ए, फिर कौन कर रहा है क्लोरोफिल बी, फिर कौन कर रहा है कैरोटेनॉइड। ओके जी, पता चल गया। इसी तरीके से मान लो ये हमारे पास इससे आगे है तो 450 नैनोमीटर है, ऐसा मान लेते हैं। 450 नैनोमीटर पर कौन सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, क्लोरोफिल बी, फिर कौन कर रहा है कैरोटेनॉइड ए, ए तो लिस्ट में भी नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से हमने डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ पे पर्टिकुलर निकालते गए कि कौन सा जो पिगमेंट है वो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कर रहा है। उसके हिसाब से हमने कुछ ऑब्जर्वेशन निकाली। पहली ऑब्जर्वेशन क्या है कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन क्लोरोफिल ए करता है। सर फोड़ दो मास्टर का, ये क्या बोल दिया इसने, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन तो हमें दिख रहा है कि क्लोरोफिल बी कर रहा है, तो उसने ये कैसे बोला, ये गलत है। नहीं, ये सही है। कैसे सही है, क्लोरोफिल बी एब्जॉर्प्शन कर रहा है मैक्सिमम, ये मैं मानता हूँ, लेकिन एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे। जरा द्वारा समझो, मान लो ये पर्टिकुलर वेवलेंथ 450 नैनोमीटर मानी थी, राइट, तो 450 नैनोमीटर पे मैं भी मानता हूँ कि क्लोरोफिल बी का एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा है, ये तो लिस्ट में ही नहीं है। लेकिन हम ये सिर्फ एक वेवलेंथ से नहीं निकालते, हम सारी वेवलेंथ पे ऑब्जर्व करते हैं कि इस पे इस पे इस पे इस पे, और उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं कि मैक्सिमम वेवलेंथ, नंबर ऑफ वेवलेंथ, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ पे कौन सा एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है, कौन से पिगमेंट का एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा हो रहा है, और उस बेसिस पे हम ये आंसर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस वेवलेंथ पे, इस वेवलेंथ पे, इस वेवलेंथ पे, इस पे, इस पे, इस पे, मतलब यहाँ पर कुल मिला के मैक्सिमम वेवलेंथ पे एब्जॉर्प्शन कौन कर रहा है, क्लोरोफिल ए, और उसके हिसाब से वो आंसर आया। ठीक, नाउ यू गॉट इट। नेक्स्ट,
मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन लाइट इज ऑन ब्लू एंड रेड इज ऑन। अब देखो हमारे पास ए जो है वो हमारे पास मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कर रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, ए का एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा कहाँ, वो यहाँ है, एक ये है और एक ये है, और ये जोन ही अपने पास 400 नैनोमीटर और 700 नैनोमीटर का है, और 400 नैनोमीटर ब्लू को डिनोट करता है, 700 नैनोमीटर रेड को डिनोट करता है। इसका मतलब मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किन लाइटों का हो रहा है, किस कलर के रीजन्स का हो रहा है, वो है ब्लू और रेड रीजन। ठीक, दोनों ऑब्जर्वेशन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है, कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है कि जो क्लोरोफिल ए है उसको अब माइबाप घोषित कर दिया गया। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन तो वही कर रहा है पूरे स्पेक्ट्रम में, इसीलिए। नेक्स्ट, जो क्लोरोफिल बी जेंथोफिल कैरोटेनॉइड के झक थोड़ी ना मराएंगे, मान लिया उसको माइबाप कर दिया, तो इनका भी तो कुछ तो काम होगा। वही काम यहां बताया है कि ये क्या करते हैं, ये भी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन उन वेवलेंथ के रीजन में जहां ए एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, जहां राजा काम नहीं कर पा रहा वहां उसके वजीर काम करेंगे, वहां ये लोग काम करेंगे। ठीक, अब देखो इस पॉइंट को और अच्छे से समझ सकते हो आप। जैसे फॉर एग्जांपल यहां ए कर रहा है, यहां ए कर रहा है, लेकिन इस 450 पे क्या ए कर पा रहा है? ये तो लिस्ट में, ये रेस में ही नहीं आ पाया, घोड़ा ही नहीं बन पाया तो रेस का। यहां कौन कर रहा है? फिर बी कर रहे हैं, कैरोटेनॉइड कर रहा है और ज़ैंथोफिल इसी में मिला के है। ठीक है, तो ज़ैंथोफिल कर रहे हैं, तो जिस पॉइंट पे ए नहीं कर पा रहा उस पॉइंट पे ये करके दे रहे हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है, एंड ट्रांसफर दिस एनर्जी टू क्लोरोफिल। ओहो भाई, ये तो वसूली का काम कर रहे हैं। जैसे एक किसान पे एक जो गुंडा वगैरह होता है वो वसूली करने जाता है, और उससे वसूली करके किसको देता है? अपने माई बाप को, अपने मालिक को। बिल्कुल वैसे ही ये उन वेवलेंथ पे भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं जहां ए नहीं कर पा रहा, और वहां से लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करी, उसको स्ट्रैप करके ए को दे दी कि ये ले भाई, अब तू इसका यूज कर। ठीक, नेक्स्ट क्या है, सो दे आर कॉल्ड एसेसरी पिगमेंट। ओ भाई, एसेसरी का मतलब क्या होता है बायोलॉजी में, कि जो हेल्प करता हो। तो इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं, ये ए की हेल्प कर रहे हैं, ये खुद काम नहीं कर रहे, ये खुद एक चीप पिगमेंट नहीं है, ये खुद जो एब्जॉर्प्शन है और उस एब्जॉर्प्शन का यूज नहीं कर पा रहे, जो लाइट एनर्जी है वो कौन कर रहा है? क्लोरोफिल ए। तो इसीलिए ये अपनी जो लाइट एनर्जी इन्होंने ली है वो भी ए को दे देते हैं, एंड इसीलिए हम इनको एसेसरी पिगमेंट बोलते हैं। अब ये तो रियल सच्चाई भी है भाई, कि ज़्यादातर लोग एसेसरी बनकर ही रह जाते हैं, नेसेसरी तो कोई और बन के चला जाता है, लाइट एनर्जी तो कोई और अपने संग पटा के ले जाता है। वापस आ जाओ, ज़्यादा सच्चाई हो गई, ठीक है ना। तो इनेबल वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ इनकमिंग लाइट, इसका क्या मतलब है? They enable wide range of wavelength of the incoming light to be utilized. इसका मतलब क्या है यहाँ पे, कि ऐसी जगह जहाँ पे ए एक्टिव नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूँ कि मान लो सिर्फ क्लोरोफिल ए ही होता, ठीक, तो इसका मतलब ये ना तो यहाँ पे बी होता ना ये होता, तो इसका मतलब सिर्फ इसी लाइट पे जहाँ जहाँ ए एब्जॉर्ब कर पा रहा है सिर्फ उसी वेवलेंथ पे एब्जॉर्प्शन हो पाता, यानी बाकी की वेवलेंथ की लाइट तो वेस्ट चली जाती ना, एंड इसीलिए वहाँ पे ये काम आते हैं, दे इनेबल वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ, यानी ये बची हुई वेवलेंथ पे भी एब्जॉर्प्शन करते हैं, यानी उसको वेस्ट नहीं जाने देते। एंड नाउ आई थिंक कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज दे प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। ओहो ए, क्लोरोफिल ए जो मेन चीफ माइबाप बैठा है आपका एब्जॉर्प्शन का, अगर इसका लाइट की प्रेजेंस में, फोटो मतलब लाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो गया तो प्लांट के एल लग जाएंगे, और वो रोकने के लिए ही हमारे पास क्लोरोफिल बी ज़ैंथोफिल एंड कैरोटेनॉइड बैठे होते हैं। ये जो आपके पास क्लोरोफिल ए का फोटो ऑक्सीडेशन है उसको नहीं होने देते। ठीक, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर कुछ क्वेश्चन डाल रखे हैं मैंने, इन क्वेश्चन को आप करना, क्योंकि यहाँ से ये जो आपके पास पूरा की पूरा एरिया है यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं नेट वगैरह में, तो आप इसको सॉल्व करना चाहो तो कमेंट में लिख सकते हो। बाकी नेक्स्ट वीडियो से हम लाइट रिएक्शन करेंगे।